बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम फ्रेंड्स को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एसी मोटर्स। ठीक है, तो ये मेरा इंडस्ट्रिक्स चैनल है, इसको आप सब लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें इजीली और मेरा चैनल ग्रो हो और इसकी जो है वो रेपुटेशन बढ़े और सब लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक मोटर्स। ये चीज़ आपने देखी होगी, हर जगह पर आपने देखी होगी, घरों में, मुख्तलिफ जगहों पर। ठीक है, आपने देखी होगी ज़रूर। जहाँ घरों में सबसे इसकी कॉमन एग्जांपल है आपका जो घर का वाटर का पंप है, जिसको आप कहते हैं कि यार मोटर चला दो, असल में आप पंप को चला रहे होते हैं विद हेल्प ऑफ मोटर। ठीक है, तो ये वो मोटर होती है जो आप पंप को चलाती है। पंप जो है वो पानी सर्व करता है और आपका जो घर की टैंकी है या जो भी स्टोरेज है उसको फिल करता है। ठीक है, तो ये एसी मोटर है। ठीक है, अब हम इसकी तमाम टाइप्स को देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये सबसे जो है ईजी और कन्वीनियंट सोर्स ऑफ मैकेनिकल पावर है। ठीक है, हम मोटर को क्यों यूज़ करते हैं कि हमें रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी चाहिए जो आगे हमारे लोड को, मतलब पंप्स को, फैंस, ब्लोवर्स वगैरह को घुमा सके। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इजी है, वरना इंजन भी यही काम करता है, स्टीम टरबाइन भी यही काम करती है और गैस टरबाइन भी यही काम करती है। ठीक है, तो लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली नहीं है, उनकी उनके ऊपर एक मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, उनके फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, उसके अलावा उनकी जो प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये सबसे इजी और सबसे रिलायबल और सबसे लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ मैकेनिकल पावर है। ठीक है, तो आप इसको इजीली जो है ना इजीली अवेलेबल है, आप इसको इजीली माउंट करते हैं, अलाइनमेंट का भी इतना इशू नहीं होता। ठीक है, आप उसको अलाइन करें लोड के साथ, कपल करें और उसको इलेक्ट्रिकल पावर दें और उसको चलाएं। ये बहुत इजी होती है, इजीली यूजेबल है। तो एसी मोटर है क्या? एसी मोटर जो है ना वो एक वो मोटर होती है या वो सोर्स ऑफ मैकेनिकल पावर है जो अल्टरनेटिंग करंट को जो है वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है यूजिंग द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ये सबने पढ़ा हुआ है एफएससी में। ये इसका मतलब ये है कि जब एक कॉयल में से या एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जन्म लेती है। ठीक है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड जन्म लेती है उसके गिर्द, इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट होना, प्रोड्यूस होना। ठीक है, बाकी इसकी जो फैराडेज लॉ इसको गवर्न करता है, या पढ़ लीजिएगा एफएससी की बुक में, डिप्लोमा की बुक्स में, या नेट पे इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन वगैरह देख सकते हैं। मेरा यहाँ पर फोकस कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताने का है, अगर थ्योरीज इसमें शामिल करना शुरू हो गया तो हम ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो बताऊँगा। तो ये मोटर जो है ना, इसकी जो इनपुट है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है, और आउटपुट हमें मैकेनिकल पावर मिलती है। तो इसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं, वैसे तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, ना तो अगले अगली वीडियो में इसके पार्ट्स पे आएंगे। इस वीडियो में कुछ इसके जो वर्किंग प्रिंसिपल है हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो अब इसका यह है कि इसमें दो मेजर पार्ट्स होते हैं, स्टेटर और रोटर। ठीक है, स्टेटर उस पार्ट को कहते हैं जो स्टेशनरी होता है, इसकी जो केसिंग के अंदर एक स्टेशनरी वाइंडिंग होती है उसको स्टेटर कहते हैं। ठीक है, और जो रोटर है ये वो पार्ट है जो घूमता है, जो रोटेट करता है, उसको रोटर कहते हैं। सही है, अब आगे पढ़ेंगे कि स्टेटर किस तरह होता है, वो रोटर किस तरह होता है, उसमें किस तरह से वो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह पैदा होती है, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है, वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट और रिपेल करती हैं और रोटेशन पैदा होती है, और वो रोटेशन हमें चाहिए होती है, वो हमारी यूज़फुल पावर होती है। तो एसी मोटर जो है ना सिंगल फेज़ भी होती हैं और थ्री फेज़ भी होती हैं। ठीक है, अब जो थ्री फेज़ हैं वो बड़े स्केल पे, ऑन द लार्ज स्केल,
वो जहाँ पे हमें पावर कन्वर्जन चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करना हो, तो वहाँ पर हम थ्री फेज़ मोटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हमें छोटे पैमाने पे पावर चाहिए, सपोज़ आपके घर का फ़ैन है, आपके घर की वो जो मोटर है पानी भरने वाली मोटर है, ठीक है, या किसी के घर में अगर वो कोई गांव में रहता है तो घास कुतरने वाली मशीन होती है, ठीक है, टोका मशीन कहते हैं उसको, उसकी जो मोटर होती है वो भी इतने बड़े स्केल की नहीं होती, सिंगल फेज़ होती है, ठीक है। या फिर आपका पंखा है, इस तरह की चीज़ें, कोई आपका रेफ्रिजरेटर में जो कंप्रेसर की मोटर है वो हो गई, ठीक है। ये जो छोटी छोटे स्केल की मोटर्स होती हैं, आपकी वॉशिंग मशीन में एक मोटर होती है एसी मोटर, ठीक है, तो ये सारी मोटर जो है ना वो सिंगल फेज़ होती हैं, ये कम पावर जनरेट करती हैं और स्मॉल स्केल के ऊपर पावर कन्वर्जन करती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल सारे गिनवा दी हैं, ये उसकी एग्जांपल्स आगे आ रही हैं नेक्स्ट जो सेंटेंसेस में। अब इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, मोटर्स को। मोटर्स की बहुत बड़ी एक डोमेन है, मोटर्स एक बहुत बड़ा जो फील्ड है, मतलब एक पूरी ये साइंस है मोटर्स की। तो इसको कैसे डिवाइड किया गया है सब ब्रांचेस में, वो इस तरह से है कि इलेक्ट्रिकल मोटर्स की दो मेन टाइप्स हैं, डीसी मोटर्स और एसी मोटर्स। डीसी मोटर्स को हम आगे किसी फ्यूचर में वीडियो में करेंगे, इसकी वीडियो पूरी बनाएंगे, इसका लेक्चर पूरा प्रिपेयर करेंगे। हम इस पे आते हैं एसी मोटर्स पे, जो हमारा मेन टॉपिक है। एसी मोटर्स क्या के दो टाइप्स होती हैं, सिंक्रोनस मोटर्स और एसिंक्रोनस या इंडक्शन मोटर्स। एसिंक्रोनस मोटर्स को इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, और उसकी फिर आगे दो टाइप्स होती हैं, सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर और थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो लेकिन जो मेन टाइप है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टाइप है, वो एसी इंडक्शन मोटर है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टाइप है वो एसी इंडक्शन मोटर है। आगे इसकी जो पावर वोल्टेजेस की रेंज है, इसकी वोल्टेजेस की रेंज है वो चंद वोल्टेजेस से लेके 6300 वोल्ट, मतलब 6.3 किलो वोल्ट, 6.3 kV या इससे भी ज़्यादा होती हैं। और ये 6.3 kV, मतलब 6300 वोल्ट की मोटर है, इसको भी MV मोटर कहते हैं, मीडियम वोल्टेज मोटर। वैसे पावर के ना तीन लेवल हैं, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज, ठीक है। तो इसकी भी आपको मैं बताऊंगा आगे कि लो वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है, मीडियम वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है और हाई वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है। 6300 से ऊपर के जो वोल्टेज का लेवल है उसको हाई लेवल कहते हैं, और लो लेवल जो है ना वो मुझे अभी क्लियर नहीं है, बाद में बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन ठीक बताऊंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा। अब ये चंद हॉर्स पावर से लेके 1 लाख हॉर्स पावर तक पावर जो है ना वो जनरेट कर सकती हैं। ये इनकी इतनी वाइड रेंज है कि चंद हॉर्स पावर, हॉर्स पावर क्या होता है, 746 वाट्स का एक हॉर्स पावर बनता है, 746 वाट्स का एक हॉर्स पावर बनता है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 1 लाख हॉर्स पावर है तो उसके कितने वॉट बनेंगे। आप इतने तो जीनियस हैं कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद व्हेन अ मोटर ऑफ द राइट स्पीड इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब अब आपको एक मोटर चाहिए सपोज़ 600 RPM की, ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपने जो अपना पावर कैलकुलेशन की है, जो आपको रिक्वायर्ड है आपके किसी पंप को, कंप्रेसर को, किसी लोड को, किसी फ़ैन को, तो वो आपको सपोज़ 600 RPM चाहिए, और आपने जो वेंडर्स से रब्ता किया तो उनके पास अवेलेबल है जनाब 1000 RPM की, या 800 RPM की, या 700 RPM की, 600 RPM की मौजूद नहीं है, ठीक है। तो या फिर 400 RPM की मौजूद है मोटर, आपको 600 चाहिए, तो आप फिर क्या करते हैं कि उसके आगे रिडक्शन गियर या फिर एक्सटेंडिंग गियर लगाते हैं। रिडक्शन गियर क्या होता है, जो आरपीएम को कम करता है, और एक्सटेंडिंग जो गियर होता है वो आरपीएम को बढ़ाता है, ठीक है। अब आरपीएम कम होंगे तो उसका टॉर्क बढ़ेगा, ठीक है, और अगर आरपीएम ज़्यादा होंगे तो टॉर्क कम होगा। तो आपको अगर आरपीएम की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो अगर आपको 700 या 800 RPM की मोटर अवेलेबल है और आपको 600 RPM चाहिए, तो आप उसके आगे उस गियर रेशो का गियर लगा के, रिडक्शन गियर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड RPM हासिल करने के लिए। अब जो ये उसके बाद दोबारा वो उसमें लाइन आ गई है कि ये रैगेट होती हैं, सिंपल
रगेड और रिलेटिवली ट्रबल फ्री। ये काफ़ी मतलब लॉन्ग लास्टिंग सादा इसकी कंस्ट्रक्शन होती है और नॉर्मली ट्रबल फ्री होती है। इसमें मसाइल बहुत कम होते हैं, बहुत कम मसाइल होते हैं इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ मैकेनिकल पावर। तो अब जो सपोज़ आपकी ड्यूटी है वहाँ पे, आपने ये चीज़ें ऑपरेट करनी है या इसके ऑपरेशन को आपने देखना है, आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में मतलब ऑपरेशन डिपार्टमेंट में आपको भेजा है कंपनी ने और आपने उसके ऑपरेशंस को मॉनिटर करना है। तो ऑपरेशन वालों को जब तक किसी भी इक्विपमेंट का टोटल नॉलेज नहीं मिल सकता, तो वो तब तक उसको अच्छी तरह से ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक एसी मोटर है तो आप अगर उसके ऑपरेटर हैं या उसके ऑपरेटर्स के भी इंचार्ज हैं तो आपको सब पता होना चाहिए कि एक एसी मोटर में कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं और हर पार्ट कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं और उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है। ठीक है, स्टार्ट करते वक्त क्या प्रॉब्लम आ सकता है और ये मतलब कितने टेम्परेचर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं मोटर को। ठीक है, और कितना जो है ना वो बाय ह्यूमिडिटी कितनी है, ह्यूमिडिटी भी इसको इसके परफॉर्मेंस पे असर डालती है। उसके बाद जो एम्बियंट हाई टेम्परेचर है, धूप, सख्त धूप है, तो वो भी इसकी परफॉर्मेंस को डैमेज कर सकती है, कम कर सकती है। तो ये सारी कंडीशंस और सारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपको पता होने चाहिए, तब आप उसको सक्सेसफुली ज़्यादा देर तक चला सकेंगे। ठीक है, अगर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है जिसके पास, तो वो उसको इजीली ऑपरेट नहीं कर सकेगा और अगर ऑपरेट कर भी गया तो इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो उसको हैंडल नहीं कर सकेगा। तो कुछ मोटर्स होती हैं जो फ्रीक्वेंटली स्टार्ट स्टॉप के लिए डिज़ाइंड होती हैं, जैसे आपके घर का पंखा है उसको आप बार बार बंद करते हैं चलाते हैं, कोई इशू नहीं होता। लेकिन हर मोटर ऐसी नहीं होती। जो बल्क साइज़ की जो मोटर्स होती हैं, बड़े साइज़ की, बड़े कैपेसिटी की मोटर्स होती हैं, वो इस तरह नहीं होती कि आप उसको जब दिल करे बंद कर दें, जब दिल करे चला लें, ऐसा नहीं होता। मतलब उसको अगर आपने चला लिया है तो आप उसको अगर बंद करनी पड़ रही है या फिर बंद खुद ब खुद ट्रिप हो गई है तो आप फिर कुछ टाइम होता है उस टाइम से पहले उसको दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, और कुछ होती हैं जो बार बार चलाने बंद करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, ये उनके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, उनके वाइंडिंग और उनकी जो बाकी टेक्निकल जो डिज़ाइन हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, और उसके बाद अगर ऑपरेटर को ये नहीं मालूम कि इसका ओवरलोड कितने वोल्टेज पे आएगा, कितने एम्पीयर अगर ये लेना शुरू हो जाए तो ये ओवरलोड हो जाएगी, थर्मली ओवरलोड हो जाएगी और ये ट्रिप हो सकती है, उसको अगर ये मालूम नहीं है कि वो कितना एम्बियंट टेम्परेचर हो तो ये बर्दाश्त कर सकती है, उससे ज़्यादा पे ये ट्रिप हो सकती है या डैमेज हो सकती है। ट्रिप तो तब होगी जब उसके ऊपर ट्रिपिंग मैकेनिज्म इंस्टॉल किया हुआ है उसके ब्रेकर पे। अब क्योंकि मोटर्स की बहुत सारी ट्रिप सिक्योरिटीज़ होती हैं, ऐसे नहीं होता कि बस मोटर ख़रीदी और उसको डायरेक्ट पावर सप्लाई के साथ लगा दिया, नहीं। उसके ब्रेकर के साथ उसके जो रिले होती है उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे थर्मल ओवरलोड का फंक्शन है कि जी अगर मोटर किसी भी वजह से सपोज़ उसके रनिंग नॉर्मल रनिंग एम्पियर्स हैं 150। ठीक है, तो अगर वो किसी वजह से 160 एम्पियर्स तक पहुंच जाती है, ठीक है, तो 160 पर पहुंचते ही मोटर ट्रिप हो जाए। अगर ट्रिप नहीं होगी तो क्या होगा, जब ज़्यादा एम्पियर पास करेंगे उसकी वाइंडिंग में से तो उसकी वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वाइंडिंग ओवर हीट होके जल जाएगी। जब वाइंडिंग जल गई तो मोटर के पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, वाइंडिंग ही उसका सब कुछ होती है। तो अगर चलें मोटर का जो जो है ना टेम्परेचर, वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ गया है किसी वजह से, धूप है या फिर उसकी जो प्रॉपर कूलिंग मैकेनिज्म नहीं है या उसके अंदर जो कूलर लगा होता है जो उसको उसमें से एयर को पास करवाता है या उसकी एयर को कूल करता है, अंदर की बॉडी के अंदर जो एयर है उसको कूल करता है, वो मैकेनिज्म अगर उसका फेल हो गया है तो उसके एम्पियर उसके जो टेम्परेचर तो बढ़ेंगे वाइंडिंग के, अब वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो वाइंडिंग जल जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं। मोटर का कोई फेस ग्राउंड हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा कि मोटर का फेज़ ग्राउंड होगा तो जो करंट होगा वो बाकी दो फेजेस के ऊपर आ जाएगा, तो बाकी दो फेजेस में से जब टोटल करंट पास होगा तो वो ओवरहीट होके डैमेज हो जाएंगी, या उसके अलावा पॉजिटिव सीक्वेंस है, नेगेटिव सीक्वेंस है। ठीक है,
इस तरह से बहुत बहुत सारे इसके फॉल्ट होते हैं, मोटर के प्रॉब्लम होते हैं। तो हमारे पास फिर वो मैकेनिज्म होता है कि इनमें से कोई भी कंडीशन, एक या फिर एक से ज़्यादा कंडीशन एक टाइम में अगर अचीव हो जाती हैं जो कि मोटर को डैमेज कर सकती हैं, तो उनके उन कंडीशन से पहुंचने से पहले पहले मोटर ट्रिप हो जाए, वो ट्रिप होना हमें मंजूर है लेकिन उसका डैमेज होना हमें मंजूर नहीं। तो फिर क्या होता है कि वो ट्रिप हो जाती है मोटर। अगर ऑपरेटर को नहीं पता कि इसकी ट्रिपिंग सिक्योरिटी कितने कितने एमपीएच पे, कितने कितने वोल्टेजेस पे, कितने कितने टेम्परेचर्स पे हैं, तो वो उसको प्रॉपरली नहीं उसको चला सकेगा। तो उसके बाद नोइंग व्हाट कंडीशंस कॉज मोटर टू स्टॉप हेल्प्स हिम टू कीप मोटर इन सर्विस एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ये वही बात है कि किस किस वजह से मोटर बंद हो सकती है, अगर ये आपको पता है तो आप उसको उन 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 केसेस से बचाएंगे मोटर को और ज़्यादा देर तक उसको चला सकेंगे, ठीक है। और अगर ऑपरेटर को ये पता है कि कितने अरसे बाद इसको लुब्रिकेट करना है, इसके बेयरिंग्स होते हैं, इनबोर्ड आउटबोर्ड बेयरिंग्स होते हैं, तो उनको कितने आवर्स के बाद उसको हमने, कितने घंटों के बाद उसको हमने लुब्रिकेट करना है। तो ये पूरा सिस्टम होता है कि ऐसा होता है कि पूरी शिफ्ट में, अब एक मोटर है 24 घंटे में कितने घंटे चली है, 24 घंटों में से कितने घंटे चली है, तो वो आवर्स लिखे जाते हैं हर मोटर के। फिर क्या होता है जो 24 घंटे के बाद वो आवर लिखे जाते हैं कि ये इन 24 घंटों में इतने घंटे ये मोटर चली है, फिर महीने महीने में उसके आवर्स कैलकुलेट होकर जमा होते हैं, ठीक है। अब रिकमेंडेड एफर्स किया कि ये हर 4,000 घंटे के बाद मोटर की लुब्रिकेशन करनी है मस्ट। तो वो जो उनके जो कैलकुलेशन सारी, एक 24 घंटे की कैलकुलेशन जो है वो उनका एक ऑनलाइन पोर्टल होता है कंपनी में, उस पर वो डाल देते हैं और फिर वो मंथ वाइज वो जो प्रोग्राम है उसको कैलकुलेट करता रहता है। और फिर जब उसके आवर्स अचीव होते हैं, सपोज़ 4,000 घंटे हो गए हैं एक मोटर के, तो वो फ़ौरन अपनी जो मेंटेनेंस एजेंसी को जो है वो एक नोटिफिकेशन जाएगा कि फ़लां मोटर के जो रनिंग आवर्स पूरे हो गए, अब आप इसको लुब्रिकेट करें। तो ये इसकी गुड प्रैक्टिसेज हैं मेंटेनेंस की, ठीक है। हर जो मेंटेनेंस, जो क्रिटिकल मेंटेनेंस की चीज़ें हैं ना, जिनके बगैर एक चीज़ को चलाना अनसेफ होता है, वो मेंटेनेंस सारी जो है ना वो एक प्रोग्राम्ड है, एक जो है ना वो प्लान्ड है कि इतने घंटे बाद, इतने दिनों बाद इसकी फ़लां फ़लां मेंटेनेंस करनी है। ये आगे हम सब पढ़ेंगे। उसके बाद अगर इसको प्रॉपरली ऑपरेट किया जाए एज़ पर SOPs, तो मोटर जो है वो बहुत देर तक चल सकती है, बहुत देर पा चल सकती है। मैंने ऐसी मोटर्स भी देखी हैं जो 40 40 साल से चल रही हैं, 40 40 साल से चल रही हैं। वजह क्या है कि उनकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी है, मतलब उसकी जो मेंटेनेंस का सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यही वजह है कि मोटर्स अभी तक ऐसे लगते हैं कि जैसे बहुत बिल्कुल न्यू हो। उनकी पेंटिंग, उनकी क्लीनिंग, उनकी कूलर्स की क्लीनिंग, उनकी बेयरिंग्स की सर्विस, बेयरिंग्स की रिप्लेसमेंट, बेयरिंग्स की लुब्रिकेशन, ठीक है, उसकी ब्रेकर की मेंटेनेंस, उसकी जो केबल्स की जो है वो उसकी मैगरिंग होती है, केबल की मैगरिंग करते हैं, मैगरिंग मतलब वो उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ तो नहीं गई, रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए और इसमें कितनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसके, फिर ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं, उसमें मेंटेन की जाती हैं, तब ये जो है ना कंटिन्यूस प्रोसेस चल सकता है। तो उसके बाद मैग्नेटिज्म क्या है। एन इलेक्ट्रिकल मोटर यूजेस द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसमें मैग्नेटिज्म कॉज होती है दो, इसमें एक रोटर है और एक स्टेटर है। स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर पैदा होती है, वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर रोटेशनल इफेक्ट पैदा होता है और मोटर चलती है और हमें रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी देती है। तो ये इसका जो सोर्स ऑफ पावर है वो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको मैंने बता दिया कि अट्रैक्शन और रिपल्जन होती है उन मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान, जिसकी वजह से वो रोटेट करती है। द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूसेस वर्क, और वही जो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म है वो यूजफुल वर्क का बायस बनता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट सेट्स अप द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मोटर। द डिज़ाइन ऑफ मोटर कॉजेज द मैग्नेटिक फील्ड्स टू रिपेल और अट्रैक्ट। ये हमने पढ़ लिया। मैग्नेटिज्म इज द इनविजिबल फोर्स विच फ्लोज इन लाइन्स थ्रू ऑल मटेरियल। अब ये मैग्नेटिज्म ऐसे नहीं कि आपको नज़र आ रही हो,
एक इनविजिबल फोर्स है जो लाइंस की शक्ल में ट्रेवल करती है एक पोल से दूसरे पोल तक, ठीक है, और मटेरियल के अंदर से जो है वो ये फ्लो करती है। उसके बाद ये एक आपके पास बार मैग्नेट शो किया हुआ है, ठीक है, ये भी उसका कोई पोल है, ये भी एक उसका कोई भी पोल है, मैं यही बता रहा कि नॉर्थ या साउथ फिलहाल नहीं शो किया हुआ हमने। तो ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जिसको फ्लक्स लाइन, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस भी कहते हैं। इनकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ से इस तरफ, इधर से इस तरफ, और ये जो विसिनिटी है, ये जो एरिया है जिसके अंदर अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं, ये पूरा एरिया जो है ना इसके मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ये मैग्नेट के पोल्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और ये जो पूरा एरिया है जहाँ पर इसका इफेक्ट मौजूद है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि जो नंबर ऑफ़ फ्लक्स लाइन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फ्लक्स लाइंस कहते हैं, ठीक है, या मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, इन लाइंस को फ्लक्स लाइन कहते हैं, और नंबर ऑफ लाइंस पर स्क्वायर इंच या पर स्क्वायर एरिया, मतलब पर स्क्वायर लेंथ जो है ना उसको कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट फ्लक्स डेंसिटी। अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये मुख्तलिफ मैग्नेटिक फील्ड्स की मुख्तलिफ फ्लक्स डेंसिटी होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर स्क्वायर इंच ज़्यादा होंगी तो ज़ाहिर है डेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर स्क्वायर इंच कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेट फ्लक्स फ्लक्स डेंसिटी भी कम होगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कोई भी मटेरियल है जिसके अंदर मैग्नेटिज्म मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड जिसके जिसकी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है उसको मैग्नेट कह सकते हैं, ठीक है। अब वो आगे उसके टाइप्स हैं, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो कुछ मटेरियल होते हैं जिनके अंदर टेम्परेरीली हम मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं जो कि देर पा नहीं मौजूद रहती, जैसे भी जैसे सॉफ्ट आयरन है, इसके अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर भी दें उसके पार्टिकल्स की अलाइनमेंट करके, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके उनके अलाइनमेंट करके अगर आप उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर भी देते हैं तो वो ज़्यादा देर नहीं रहेगी। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए वो एल निको एल्यूमिनियम, Ni निकल, Co कोबाल्ट, इन तीनों मेटल्स को मुख्त एक मखसूस प्रोपोर्शन के साथ मिक्स करते हैं, एक अलॉय बनाते हैं, और फिर उसके अंदर जो है ना उसके पार्टिकल्स की अलाइनमेंट करते हैं, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो देर पा होती है, तो वो परमानेंट मैग्नेट बनता है, ठीक है। वरना सिर्फ अगर सॉफ्ट आयरन ले लें तो वो इतना अच्छा मैग्नेट मैग्नेट नहीं बन सकता, थोड़ी देर में ही उसकी मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये मैंने बता दिया आपको, आयरन को हम टेम्परेरीली जो है ना वो मैग्नेटाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम ये बताते हैं कि कोई भी मटेरियल है उसको हम बेशक आप उसको टेम्परेरीली मैग्नेटाइज करें या उसको परमानेंटली मैग्नेटाइज करें तो, लेकिन उनके जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वही होंगे, उसी तरह से पोल्स बनेंगे नॉर्थ साउथ, उसी तरह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पाथ बनेगा, डायरेक्शन बनेगी, वो सारी सेम होगी। ये नहीं है कि परमानेंट मैग्नेट का कुछ अलग बिहेवियर होता है और टेम्परेरी का अलग होता है, ये नहीं होता। अब आपने मुझे बताना है कि बल्कि आपने अगली स्लाइड में बताना है, ये देखें कि नॉर्थ से साउथ इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो वो ट्रैवल कर रही हैं और ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, ये वाली इधर जा रही है इधर जा रही हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही कहीं पर भी, तो ये इनकी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती और वो हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करती हैं। तो वो पॉइंट मैग्नेट के वो पॉइंट्स जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं या फिर जहाँ जहाँ पर एंटर होती हैं उन पॉइंट्स को पोल्स कहते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है पोल्स। उसके बाद आप देख लें कि ये उस जिस मटेरियल के अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दी है ये एक्सटर्नली फ्लो करेंगी, उसके बाहर से फ्लो करेंगी। अब देखने ये लाइंस बाहर से एक्सटर्नली फ्लो कर रही हैं, ये अंदर से नहीं ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ये इसमें ये हम बताना चाह रहे हैं आपको। उसके बाद ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती या एक दूसरे के साथ जमा नहीं होती, हमेशा अलग अलग रहती हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं, जैसे ये रिपल्शन हो रही है, ये इधर जा रहे हैं ये इधर जा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करती हैं, क्रॉस नहीं करती। उसके अलावा
दो दो मैग्नेट्स, दो डिफरेंट मैग्नेट्स के किसी भी दो पोल्स को करीब लेके आएँ तो आइदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अब किस तरह अट्रैक्ट करेंगे, क्या उनकी तरतीब हो कि वो उसको रिपेल करेंगे एक दूसरे को, या क्या तरतीब हो कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये आगे देखते हैं। तो नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल और अट्रैक्ट्स साउथ पोल, साउथ पोल रिपेल्स साउथ पोल एंड अट्रैक्ट्स नॉर्थ पोल। मतलब लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, इन शॉर्ट। तो ये आपको बता दिया मैंने। उसके बाद अब आगे आपके पास ना ये दो अरेंजमेंट्स हैं, यहाँ पर एक सिंपल एक मैग्नेट है, यहाँ पर दो मैग्नेट्स हैं। अब आपने मुझे सोच के बताना है, आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा कि यहाँ पे ये कौन कौन से पोल्स हैं, ये ब्लैंक छोड़े हुए हैं हमने, ये कौन कौन से पोल्स हैं। अगर आप अपनी वो वाली लॉजिक यूज़ करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ, साउथ में एंटर होती हैं, तो आप देख लें यहाँ से ये लाइंस निकल रही हैं और ये जा रही हैं, मतलब ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ। इधर आ जाएं, यहाँ से निकल रही हैं, इसमें एंटर हो रही हैं, तो ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। इधर इधर आ जाएं, यहाँ से निकल रही हैं और इधर एंटर हो रही हैं, तो ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस आपसे करवानी थी, फिर मैंने भी बता दिया, ये उसकी जो लेबलिंग मैंने भी कर दी है, आप देख लें इसको। अब इसमें सवाल ये है कि ये दो मैग्नेट्स हैं, ये दो मैग्नेट्स हैं आपके पास, ये उनके पिवट पॉइंट्स हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो दो एंड्स इस वक्त करीब हैं, इस मैग्नेट का ये एंड और इस मैग्नेट का ये एंड, ये दूसरे करीब हैं, कह रहे हैं कि इधर कौन कौन सा पोल होना चाहिए, इसका कौन सा पोल होना चाहिए और इसका कौन सा पोल होना चाहिए कि ये दूसरे को रिपेल करके एक दूसरे से दूर हो जाएं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये दोनों सेम होने चाहिए, अगर ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ होना चाहिए, अगर ये साउथ है तो ये भी साउथ होना चाहिए, और ये उसके लिए बनेंगे, या दोनों साउथ साउथ हों या दोनों नॉर्थ नॉर्थ हों, तो फिर ये हमारी जो कंडीशन है वो पूरी हो जाएगी। अब एक स्ट्रेट वायर है या स्ट्रेट मेटेलिक कोई रॉड है, इसमें से हम करंट पास करवाते हैं, तो इसमें इस तरह से सर्कुलर मैग्नेटिक फोर्स की लाइंस पैदा हो जाएंगी थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, तो अगर हम क्या करें कि ये एक कॉइल्ड वायर ले लें, कॉइल्ड वायर है, इसकी कॉइल बनी हुई है, इसमें क्या होगा कि करंट इधर से पास हो रहा है, इस ये पाथ मान रहा है करंट का, और फिर इधर क्या होगा कि एक ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, इसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। ठीक है, थ्रू आउट लेंथ हर पोर्शन पे नहीं बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, बल्कि यहाँ पे थ्रू आउट इस कॉइल के सराउंडिंग्स में एक ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जैसे ये शो की हुई है। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और इधर से एंटर हो रही हैं। ठीक है, इधर से ये यूँ निकल रही हैं और यूँ एंटर हो रही हैं, तो यहाँ से निकल रही हैं वो नॉर्थ पोल है, यहाँ से एंटर हो रही हैं वो साउथ पोल है। उसके बाद आगे जब तक करंट फ्लो करता रहेगा तो ये कॉइल के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, जैसे ही करंट फ्लो आप कट ऑफ कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड फौरन डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, ये तब तक है जब तक करंट है, करंट अब डिसअपियर हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्विकली और उसी वक्त जो है ना वो डिसअपियर हो जाएगी, ठहरेगी नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो फ्लो ऑफ करंट की वजह से भी पैदा होती है। और सिर्फ अगर करंट कंडक्टिंग वायर है, उसमें से करंट पास नहीं हो रहा, तो कभी भी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। और अगर आपने उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है, तो उसमें से करंट को फ्लो करवाना होगा। तो उसके बाद ये सारी वही बातें इसमें रिपीट हो रही हैं, तो मैंने खुद बनाई है, लेकिन कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, या रिपीट नहीं हो रही, मैंने पहले बता दी हैं, वो पॉइंट्स बाद में आ रहे हैं, कोई इशू नहीं, समझ तो आ रही है आपको। उसके बाद ये एक आयरन कोर है, अभी और नई चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस हो गई है, ये देख रहे हैं जो इधर नहीं थी पहले, इस जगह पर ये चीज़ नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं थी, लेकिन ये इधर इंट्रोड्यूस हमने कर दी है। अब इसका क्या मकसद है, इसको कहते क्या हैं, इसको कहते हैं आयरन कोर।
आयरन की कोर है, सॉफ्ट आयरन की कोर होती है ये, ठीक है। अब ये क्या करती है, जब अगर आप पीछे चलें तो यहाँ पे जब ये नहीं थी, यहाँ पे ये आयरन कोर नहीं थी, तो बीच में इस विसिनिटी में एयर थी, तो एयर की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आयरन। मतलब एयर जो है ना, एयर में से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती हैं। अगर बीच में कोई मेटल रख दिया जाए तो एज़ पर द परमीबिलिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, तो जिसकी जितनी खसूसियत है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करवाने की, वो उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करवाएगा। तो इधर अगर आपने यहाँ पर आयरन का एक जो मतलब कोर इसमें रख दी है, तो अब क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं ये करीब करीब आ गई हैं, मतलब ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो इसमें से पास हो रही हैं कोर में से। तो इसका जब लाइन्स करीब करीब आएंगी तो मतलब उनकी डेंसिटी बढ़ेगी, करीब करीब आएंगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब वो जो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। तो ये उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कॉन्सेंट्रेट करने और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी को, फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ाने के लिए ये जो आयरन कोर इस्तेमाल होती है, ठीक है। और ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बाकी इस पे टाइम ज़्यादा नहीं करूँगा, पहले हमारी वीडियो लंबी हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं पोलैरिटी पे। अब क्या ऐसा होता है कि करंट बेशक जिस एंड से आप एंटर करवाएं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की जो पोल्स हैं वो सेम रहेंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो पोल्स की जो तरतीब है वो चेंज होती है विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। इधर देखें कि करंट का पॉजिटिव एंड ये है नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव सेंटर हो रहा है करंट और नेगेटिव से वापस मतलब निकल रहा है, तो इधर इधर नॉर्थ बन रहा है, इधर नॉर्थ बन रहा है और इधर साउथ बन रहा है। और इधर हमने डायरेक्शन उलट कर दी, मतलब इस साइड से करंट एंटर हो रहा है और इस साइड से निकल रहा है, तो उसकी डायरेक्शन जो है रिवर्स हो गई है, उन पोल्स की जो ओरिएंटेशन है वो रिवर्स हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट की पोलैरिटी चेंज करने से जो मैग्नेटिक पोल्स की जो डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक पोल्स की जो तरतीब है वो भी उलट जाएगी। अगर पहले एक जगह पर नॉर्थ था तो वहाँ पे साउथ हो जाएगा, और जहाँ पर साउथ था वहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा। इस चीज़ का भी आपको इल्म होना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हैं, वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन से किस तरह से वो आप कैसे निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो बाकी जो नेक्स्ट इसकी चीज़ें हैं, ये तो अभी हम सिर्फ इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले रहे थे इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे, ठीक है। अगर लर्निंग करनी है तो फिर टाइम देना पड़ेगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि पॉइंट्स को जल्दी जल्दी गुजारूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अब नेक्स्ट चीज़ें हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है ना आप ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।